हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट राधिका शर्मा, लीगल एडवाइजर एट टैक्सेस एंड कंपनी। सो इन आर लाइक प्रीवियस वीडियोस, एज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था इज इंजंक्शन, एंड इन आर वन वीडियो वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंजंक्शन विच इज परपेचुअल एंड टेम्पररी इंजंक्शन, एंड इन आर लाइक वन वीडियो वी हैव डिस्कस द रिजेक्शन ग्राउंड्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। सो नाउ व्हाट वी गोना डिस्कस इज द रूल अंडर ऑर्डर 39 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जो क्या रूल्स हैं ऑर्डर 39 के ऑन टेम्पररी इंजंक्शन पे। सो द ऑर्डर 39 रूल 1 जो बात करता है अबाउट द केसेस इन विच द कोर्ट लाइक में ग्रांट कर सकता है एक टेम्पररी इंजंक्शन एज अ स्टैचुटरी रिलीफ। वो टाइप के जो केसेस इंजंक्शन होते हैं उन केसेस होते हैं अगर सपोज प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, लेकिन द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज अंडर अ रिस्क ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज और एलिनेटेड और रॉन्गफुली सोल्ड हुई है बाय एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इन द सूट में, तो टेम्पररी इंजंक्शन लगेगा। एंड इफ एन इंडिविजुअल थ्रेटन करता है और डिस्प्ले करता है इंटेंशन ऑफ रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ मोटिव टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स, दिस इज़ स्पेसिफिक टू डिफेंडेंट ओनली, कि अगर वो ऐसा करता है तो ऑर्डर 39 अप्लाई होगा। एंड अगर लाइक इफ द प्लांटिफ थ्रेटन हुआ है बाय द डिफेंडेंट टू बी डिस्पोज और इंजर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, एंड इफ द लाइक द डिफेंडेंट वर टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और कॉन्ट्रैक्ट, द लाइक अफर्मेशन जो ग्राउंड है इज ऑल्सो हाईलाइट विद इन ऑर्डर 39 रूल 2 ऑफ CPC 1908 में। एंड द लास्ट थिंग, द कोर्ट में इशू एन इंजंक्शन इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट वुड बी एन एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं क्या टेम्प्ररी इंजंक्शन पर रूल ऑर्डर 39 अप्लाई होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड वी गोना डिस्कस न्यू लीगल टॉपिक्स एंड लाइक मोर लीगल टॉपिक्स एंड मोर लीगल आइडियाज इन लाइक इन आर नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग एनी लीगल टॉपिक, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।